हमने आपको सिंपल पेंडुलम बताया था, स्प्रिंग के मोशन के बारे में बात की थी। सिंपल पेंडुलम में हमने कहा था कि मान लिया आपको एक बॉब ले लें और उस बॉब को एल लेंथ के थ्रेड में, एक उसकी अगर एल लंबाई हो, तो उसका जो टाइम पीरियड था वो टी इज इक्वल टू था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आपने पढ़ा था, इसको ड्राइव भी कराया था और इसका मोशन हमने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं, लिखिए टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सिंपल पेंडुलम ही लेने जा रहे हैं लेकिन अब हम इनफाइनाइट लेंथ लेने जा रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, देखिए हमने इसके पहले पढ़ा है कि भाई टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G होता है। तो ये मैथमेटिकली इसको दिख रहा है कि अगर मैं एल को इनफाइनाइट कर देता हूं, यानी लेंथ ऑफ द थ्रेड, जिसको कि थ्रेड न कहिए, हमने बताया था इफेक्टिव लेंथ कहाँ से ली जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास से। तो अगर मैं एल को इनफाइनाइट कर दूं तो दिख तो रहा है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैलकुलेशन करके शो किया गया है कि अगर एन फाइनाइट लेंथ का कोई थ्रेड आप ले लें तो उसका टाइम पीरियड तकरीबन 84.6 मिनट होता है, तकरीबन। इसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ, जरा समझिएगा, ये एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर हमने लिया और हमने यहाँ पर लटका दिया, हमने इसको इस प्रकार से ऑसिलेट कराया है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ये थ्रेड टेढ़ी हुई है और ऐसे जा रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ से लटका देता तो आपको क्या ये जो टर्निंग हुई है यहाँ से, ये दिखाई पड़ती है आपको, नहीं दिखाई पड़ती? कैसा लगता आपको? आपको लगता कि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, हॉरिजेंटल ऑसिलेट, नहीं लगता ऐसा? जरा ध्यान से, जब प्रैक्टिकली समझिएगा, एक झूला एक पेड़ से लटका हुआ है, पेड़ से आप डाल रखे हैं, तो अब चूंकि पेड़ की हाइट ठीक है दिखाई पड़ती है तो लगेगा कि झूले का जो रस्सी है वो ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। लेकिन वही रस्सी अगर हम इनफाइनाइट लेंथ पे लटका देते जो दिखाई नहीं पड़ती आपको, तो आपको यहां से दिखाई पड़ता कि रस्सी सीधे ऐसे ऐसे जा रही है, नहीं लगता ऐसा? तो यानी कि जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है उसका ऑसिलेशन कैसा होता है, ऐसे हॉरिजेंटल टाइप का, ये वर्टिकल जो है स्ट्रिंग दिखाई पड़ती है और ऐसा ऑसिलेशन होता है। सही में कह रहा हूं, प्रैक्टिकली सोचिएगा, ठीक है, जरा समझिए। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर लेंगे या तार लेंगे या कोई थ्रेड लेंगे तो अब सिंपल सी बात, उसको अर्थ में ही लटकाना पड़ेगा, कहीं कोई पेड़ और कोई डाली तो मान नहीं सकते। ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है, ये सेंटर है, और अर्थ की रेडियस हमने फिलहाल मान ली है RE, रेडियस ऑफ अर्थ को हमने RE एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट लेंथ की जो थ्रेड है, स्ट्रिंग है, वो कहीं बहुत दूर लटकी हुई है, वहां मैं चढ़ नहीं सकता, वरना सीढ़ी चढ़ा के चढ़ जाता, और वहां से लटकी है और आपको जहां तक दिखाई पड़ रही है वो ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ रही है। सही कह रहा हूं मैं भाई? इनफाइनाइट लेंथ से लटक के आई है, अब आपकी विजिबिलिटी इतनी तो है नहीं कि इनफाइनाइट आप देख लें, तो आपको यहां कहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ही लटका हुआ है। सही मैं कह रहा हूं? थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, तो जब इसको ऑसिलेट कराओगे तो क्या ये रस्सी ऐसे दिखाई पड़ेगी आपको, ऐसे टेढ़ी होके जा रही है? क्योंकि उसका जो जो टर्निंग हुई है उसकी वहां पे, वो इतनी दूर है कि वो टर्निंग दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये सीधे पार्टिकल यहां पहुंच गया है और रस्सी ऐसे लटकी हुई है, और ये पार्टिकल यहां से लेकर के अपने मीन, ये मीन पोजिशन थी, और वहां से ओ डैश पहुंचा है और एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया है। सही मैं कह रहा हूं? अच्छा, इस पेंडुलम का जो वेट होगा वो किधर की ओर एक्ट करेगा?
अर्थ के सेंटर की तरफ ऑलवेज, यानी इसका वेट जो एक्ट करेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ये mg एक्ट कर रहा है और हमने माना ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। अब बताओ mg का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको फिर मीन पोजीशन में ला रहा है। ये शुरुआत में ये था जो आपकी जो पोजीशन थी वो ये थी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस mg cos थीटा जो कि ट्राई कर रहा है इस पार्टिकल को मीन पोजीशन में लाने के लिए, इस फोर्स का नाम क्या हो सकता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, रीस्टोरिंग फोर्स जो यहां पर है वो है mg cos थीटा, लेकिन ये एक्चुअली में उल्टा काम कर रहा है इसे, मतलब हम पार्टिकल को ऐसे ले जा रहे हैं और ये ऐसे काम कर रहा है, तो जब ऐसा डायरेक्शन चेंज होती है तो हम अपने आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसको हमने फिलहाल F मान लिया, F इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा। अब अगर इस डायग्राम को देखिए, ये 90 डिग्री है, ये जो पार्टिकल है ना दिस इज वेरी 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 क्लोज टू अर्थ। अब वेरी वेरी क्लोज टू अर्थ में जमीन में टच तो करा नहीं लेंगे, तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगी इसकी वो किसके इक्वल होगी, अर्थ की रेडियस के इक्वल। अब बताइए इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको आप सी मान लो, वो ना मानो, इसमें कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी ओ डैश मैं कॉस थीटा कैसे निकालूं, ओ ओ डैश अपान, नहीं नहीं सही बोल रहे हो भाई, ओ ओ डैश सी, तो ओ डैश हो गया एक्स और ओ डैश सी क्या होगा, लगभग रेडियस के बराबर। मैं अर्थ सरफेस के थोड़ा सा ऊपर हूं क्योंकि एकदम अर्थ से रगड़ के तो पार्टिकल चल नहीं सकता, तो मैं उसको मानूंगा आर, आर बोले तो आर ई, तो इसकी वैल्यू तो आ गई। सो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स अपान आर ई। अब हम मान लें कि इफ एल्फा इज द एक्सेलरेशन, अब आप कहेंगे बार बार आप अल्फा को ही बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हो, अरे आप भाई ए मान लो, हमारी मजबूरी है, ए को यहाँ पर बार बार एम्पलीट्यूड माना गया है वेव में, इसलिए हम ए को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अगर अल्फा एक्सेलरेशन है तो एफ को आप एम अल्फा ले सकते हैं, एम अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स अपान आर ई, एम कट गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपान आर ई। अब बताइए इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेस इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस एक्स, दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वही जो घिसा पिटा स्टेटमेंट लिखते हैं, एज एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली proportional to its displacement and opposite to its direction of motion, so its motion is SHM। लिख लेंगे ये चीज़, बार बार आप लिखते आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूं, इट्स टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ से x अपान अल्फा निकालता हूँ तो आएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। अब आप देख रहे हैं भाई आर ई इज अ रेडियस, कितना आप लेते हैं रेडियस, लगभग कितना आप लेते हैं रेडियस, हाँ तो वो लगभग होगी, और जी की वैल्यू 9.8 होती है अप्रोक्स स्टैंडर्ड रख देंगे, तो टाइम पीरियड लगभग जो निकलेगा वो आपका 84.6 मिनट निकलेगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम हुज लेंथ इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, नोट करिए इसको। अच्छा, अब हम वो काम करने जा रहे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं, अर्थ के अंदर टनल बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन एन इमेजिनरी टनल अक्रॉस द अर्थ। इमेजिनरी इसलिए कहते हैं कि टनल बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन अब मैं बना देता हूं, मोशन ऑफ ए बॉडी ड्रॉप्ड इन एन इमेजिनरी टनल
मोशन ऑफ ए बॉडी ड्रॉप्ड इन एन इमेजनरी टनल। आप टनल लिख सकते हैं, लेकिन अब चूंकि इमेजनरी है तो लिखे दे रहे हैं टनल अक्रॉस द अर्थ। देखिए, जैसा कि हम यूनिवर्स में देखते हैं, हमारी अर्थ ऐसे एक गोला है जो कि रोटेट कर रही है, तो उससे तो लगता है कि ड्रिल मशीन लगाएंगे और ऐसे छेद करेंगे, आर पार हो जाएगा, ऐसा लगता है। हो भी सकता हो जाए, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, ये अर्थ है और अर्थ का मास है एम ई। कुछ गोल, वैसे भी पक्की गोल नहीं है, इसलिए पक्की गोल नहीं बनी हुई है, अब इसे बढ़िया गोल बना भी नहीं पाएंगे हम। देखिए, ये एक अर्थ है और हमने इसमें टनल बनाई। अब टनल दो तरीके से हो सकती है, अवे द सेंटर, तो पहला हम अवे द सेंटर बना रहे हैं, सेंटर से दूर बना रहे हैं, पहला केस हम लेते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से दूर फ्रॉम द सेंटर बनाने जा रहे हैं, बाद में सेंटर से बनाएंगे हम। देखिए, अब कैसे इसको बनाए जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है, ये देखो ड्रिल मशीन है, और ये बन गई टनल। बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे कैसे बना सकते हैं। ये हमने बना दी टनल, डायग्राम क्लियर विजुअल है ना, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। जरा समझिएगा, अब हम यहां से किसी बॉडी को अंदर डाल रहे हैं। आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल पढ़ाया गया आपको। देखो ध्यान से, जब अर्थ के ऊपर आप होते हैं यहां पर, तो आपके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं और वहां पर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है ऊपर जाने पे। अच्छा, कौन सी वैल्यू ज्यादा तेजी से घटती है, ऊपर जाने पे घटती है, नीचे जाने पे घटती है? ऊपर जाने पे जल्दी घटती है, टू टाइम्स घटती है। यानी मैं 10 किलोमीटर ऊपर जाऊं और आप 10 किलोमीटर नीचे जाएं, तो हमारी जी की वैल्यू ज्यादा तेजी से घटेगी। ये मैथमेटिकल है, खैर बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये टनल का सेंटर है सी, जरा सावधान। अब हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया और पार्टिकल यहां आ गया, मान लिया, डायग्राम दिख रहा है ना। अब देखो, पार्टिकल ये टनल ए से स्टार्ट थी और बी तक आई थी और सी सेंटर था, पार्टिकल डी पॉइंट पे आया, क्या अभी भी अर्थ से आरी डिस्टेंस पर है? ये नहीं, किसी और डिस्टेंस पर है। तो अब देखिए, अब पूरी अर्थ तो इस पर फोर्स लगा नहीं रही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई अर्थ के ऊपर जब आप होते हैं तो आपको पूरी जो अर्थ एमी होती है वो आप पर फोर्स लगाती है, लेकिन जब आप अंदर चले जाते हो, जैसे यहां आप पहुंच गए, तो अब ये वाला जो होगा स्फेयर, ये आप पर फोर्स लगाएगा और ये वाला फोर्स आप पर नहीं लगाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? पढ़ा है ना आपने, बड़ा इलॉजिकल नहीं लगता है कि आप यहां पर आए हो और आप कह रहे हो ये वाला पार्ट आप पे फोर्स नहीं लगाएगा? लग रहा नहीं लग रहा इलॉजिकल? लगता है ना, कि जब आप अंदर आते हो तो कहा जाता है कि ये वाला फोर्स आप पर, ये वाला पार्ट नहीं लगाएगा, जब ये आपके नीचे ही है तो ये फोर्स तो लगाएगा आपके ऊपर, नहीं लगाएगा? लेकिन अभी उसको लॉजिकल बाद में हम बात करेंगे अभी कि कैसे फोर्स नहीं लगाता, अभी हम बात कुछ और कर रहे हैं। देखिए, जब हम इसके अंदर पहुंच गए और हमने कहा, पहले हमने कहा था रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई, हमने बताया था। अब हमने कहा अर्थ से हम स्मॉल आर दूरी पर हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या जी की वैल्यू वही रहेगी जो ऊपर थी? चेंज हो जाएगी। तो हमने माना यहां जी डैश है, तो बॉडी का जो वेट है वो कितना काम करेगा? एम जी डैश, ये एम इज द मास ऑफ द बॉडी नॉट अर्थ, ये स्मॉल एम है। एम जी डैश इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जी डैश क्या है? एक्चुअली में जब अंदर आप आ गए हैं तो जो आर रेडियस का स्फीयर है ना, ये अर्थ वाला, ये वाला आप पर फोर्स लगा रहा है, जिसका कि मास मैंने मान लिया है एम डैश। तो पहले तो आपको जी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो, अच्छा एक मिनट, ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, सॉरी टनल है, ये थीटा है। अब बताइए कि टनल के सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लेके जा रहा है? एम जी कॉस थीटा। तो उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं?
रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, थोड़ा इस डायग्राम के बारे में थ्योरी लिखेंगे, ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिखिएगा, ये नहीं कि हम जानते हैं और जी डैस होता है और नहीं जानते हो तो कैसे नहीं जानते हो, तो इतनी थ्योरी ना लिख दो कि जो है एग्जामिनर मैथमेटिक्स ढूंढता फिरे कि मैथमेटिकल वे आपने कहाँ लिखा है। थ्योरी हल्की से लिखिएगा डायग्राम के बारे में। तो यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, उसको मैंने एफ माना है, दैट इज माइनस एम जी डैश कॉस थीटा। अब सबसे पहले तो मुझे जी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जरा सावधान, आपके ऊपर ये पूरी अर्थ फोर्स नहीं लगा रही है, आप अर्थ के अंदर चले गए हैं और सेंटर से आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर हैं, तो स्मॉल आर रेडियस का जो स्फेयर है ना, ये वाला जो अंदर बनाया है डॉटेड, ये आप पर फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं इसका मास एम डैश मान लूँ, अगर मैं मान लूँ, तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, याद है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पढ़ाया गया आपको। तो यहां पर जो जी डैश होगा, हियर जी डैश इज इक्वल टू जी और एम ई हो जाएगा एम डैश, ये वाला जो स्फेयर आप पे फोर्स लगा रहा है, अपान, और इसकी डिस्टेंस हमने आर स्क्वायर निकाली। अब मजबूरी है मैं इसका मास कैसे निकालूं, क्योंकि पूरी अर्थ का मास तो मुझको मालूम है, कितना मास लिया जाता है अर्थ का, अर्थ का मास आपने कितना लगभग निकाला है, 6 × 10^24 के जी, याद है ना, लगभग, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। अब इस एम डैश को कैसे निकालें, तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि कौन सा करेक्टर है जो पूरी अर्थ पर सेम है, डेंसिटी। तो ऐसा करते हैं कि मास को डेंसिटी के टर्म में कर देते हैं। अब बताइए एम डैश को क्या लिखा जाए, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो इस स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी रो हो गई, और अपान में कुछ होगा नहीं। अच्छा, कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो जी डैश क्या आ गया, 4/3 πR⁸ रो, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी डैश। तो इसको उठा के यहां पर रख दे क्वेश्चन वन में, जरा इसे नोट करिए क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, अर्थ कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इसे नोट करिए, फिर हम इसको ऊपर रब कर रहे हैं हम। तो इस वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं, पुटिंग जी डैश इन इक्वेशन वन। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम, ये एम कौन है, हमारी बॉडी का मास है, ध्यान रखिएगा, माइनस एम, और जी डैश क्या है, 4/3 πgr⁸ इंटू कॉस थीटा। सो नोट करिए पहले, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, सेंटर से हम वाई डिस्टेंस पर हैं, ये वाई हमने मान रखा है, चूंकि वर्टिकल है इसलिए वाई माना है, और ये हम ऐसे चाहें तो डॉटेड मिला सकते हैं। यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू दिख रही है आपको, कुछ वाई अपान आर लिख सकते हैं, तो आएगा माइनस 4/3 πgr⁸ इंटू वाई अपान आर, सही बोल रहा हूं मैं, एक एक स्टेप में रब करता जा रहा हूं जिससे कि आपका कुछ छूटे ना। अच्छा, अगर मैं मान लूं कि अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर मैं इसका जो एक्सेलरेशन मान लूं अल्फा मान लूं, तो ये हो जाएगा एम अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3 πgr⁸ वाई अपान आर। देख लीजिए कोई चीज गलती से छूट जाती है तो दिक्कत होती है, क्योंकि यहां पर चेक नहीं हो पाएगा, देख लेना कोई गलती ना हो जाए, ये रब करते जाए ना, छूट जाए इनका बता देना कि हम रब करते बाद में आप बताएं। तो आर आर कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3 πgr⁸। अब बताओ यहां क्या दिख रहा है आपको, हर चीज तो कांस्टेंट दिख रही है आपको, तो अल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस वाई। अब क्या लिखेंगे इसमें,
एज एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन सो इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आई बात? अच्छा, आप लोगों ने कोई कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आई? हाँ, यानी आपने दिमाग नहीं लगाया। ये बताओ, जिधर मैं जा रहा हूँ, सेंटर की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, यही तो मेन पोजीशन है भाई। इस टनल का जो सेंटर है वो सी है और मैं जा भी उधर रहा हूँ, तो जब मैं उधर ही जा रहा हूँ और रीस्टोरिंग फोर्स उधर ही लग रहा है, तो वाजपेयी जी आप माइनस का है को लगाए भाई, नहीं पूछ सकते थे आप? पूछिए ना कि जब रीस्टोरिंग फोर्स उधर ही लग रहा है तो आपने माइनस क्यों लगाया? बुक में तो लिख देते माइनस लगा देंगे और कहेंगे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एफ इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। वो बताते हैं अपोजिट है। कहाँ अपोजिट है भाई? जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही तो फोर्स लग रहा है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? mg का जो कंपोनेंट है वो इधर लग रहा है और हम जा भी इधर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तब तो गड़बड़ है। माइनस क्यों लगाया आपने? अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, ठीक है? अभी एक लफड़ा यहां पर, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। खैर, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए, मैथमेटिकली तो हमने प्रूफ कर दिया, अब जरा टाइम पीरियड निकाल दो, इसको रब कर दे। नोट कर लिया? इसको रब कर दे। ओके, अब लिखिए द टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। देखो, टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला क्या था? 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। देखो, यहां से y अपॉन अल्फा क्या निकलेगा? इस पूरी चीज को इधर ले आओ तो आ जाएगा 2π अंडर रूट 3/4π0। ये टाइम पीरियड का एक फार्मूला हो गया। पहले तो इसे लिखे, फिर हम बात करते हैं। अब जरा इसको गायब किया जाए, डेंसिटी डेंसिटी कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, जरा अर्थ को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अर्थ कहेगी मेरा तो कुछ इसमें है नहीं, मतलब आपने मेरे में टनल भी कर दिया और हमें को गायब कर दिया। अच्छा, आप जानते हैं एज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, ये होता है जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू, चूंकि हमको डेंसिटी के टर्म में लाना है, तो g अपान आर ई स्क्वायर, मैं पूरी अर्थ ले रहा हूँ, तो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम यानी 4/3π r e³ इंटू रो लिख सकते हैं हम। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जरा आपके पास यहाँ है क्या क्या, देखो हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर 4π0 है, 4π0 और अपान 3 है, अपान 3 है, और सबको गायब कर दो यहाँ से, कि कौन गायब होके आएगा, केवल आर ई इधर आएगा, तो ये जी अपान आर ई हो जाएगा। यहां पर क्या वैल्यू सेम आ रही है, इसकी उल्टी वैल्यू लिखी है ना। सो बाई क्वेश्चन वन, अगर मैं टाइम पीरियड लिखता हूं, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट, ये हो जाएगा आर ई अपान जी। तो ये आपका टाइम पीरियड फॉर द बॉडी ड्रॉप्ड इन द इमेजिनरी टनल, जबकि टनल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है। अब जरा समझिएगा, जब इस नेगेटिव वाली बात को आपके कंफर्म कर दें, क्या आपको लग नहीं रहा कि जो नेगेटिव हमने लगाया है ये केवल किताब को देख के, बुक को देख के लगा लिया, होना नहीं चाहिए ऐसा? लग रहा नहीं लग रहा है? क्यों? हाँ, जरा पहले तो मैं आपको एक्चुअली मैं बताता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अच्छा, हमको तो लग रहा है कि ये ऐसे गिरेगा और ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा, हम नीचे झोले में ऐसे इसको पकड़ लेंगे। देखो ध्यान से, जैसे सी के इधर आएगा, यहाँ पर आएगा जब, तो इसका वेट किधर ऐड करेगा? फिर सेंटर की तरफ ऐड करेगा एम जी डैश, और ये है थीटा, और अब एम जी डैश ऊपर क्यों लगना शुरू हो जाएगा? तो इस प्रकार से पार्टिकल सी के इधर ऑसिलेट कर रहा है। ये बात समझ में आई?
आपने कहा भाई समझ में तो आई, लेकिन भैया जो ये यहाँ पर आप दिखा रहे हो ना डी पॉइंट पे, यहाँ पर तो एम जी कॉस थीटा इधर ही लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो वो निगेटिव आपने क्यों लगाया, पूछिए भाई, लग रहा नहीं लग रहा आपको? एक्चुअली में पार्टिकल को कहाँ से ऑसिलेट कराया जाता है, मीन पोजीशन से। तो आप इसको घसीट के यहीं से ले जाओगे यहाँ पर, ठीक है? तो जब इधर घसीट रहे थे हम, तो जो जो फोर्स लग रहा था वो सेंटर तरफ लग रहा था, यानी हम इसको जब यहाँ से दूर ले जा रहे थे, अब आप कहेंगे यहाँ कैसे पहुँचेंगे, वो बात की बात है, वो तो मैं जो टनल भी नहीं बना सकता। मतलब हम जब बॉडी को कहीं पर ऑसिलेट कराते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मीन पोजिशन से करते हैं, ठीक है? हम मीन पोजिशन से देखते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं है, हम झूला यहाँ से छोड़ते हैं ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन हम रीस्टोरिंग फोर्स जब देखते हैं तो मीन पोजीशन से जब बॉडी जा रही होती है तब देखते हैं कि कौन सा फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है, इसलिए यहाँ निगेटिव लगा गया। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमने टनल बनाई थी ये कहाँ से बनाई थी, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब हम टनल बनाने जा रहे हैं सेंटर से। सेकेंड पॉइंट लिखिए, टनल पासिस अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा केस है द टनल पासिस अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से टनल को हम पास कराने जा रहे हैं। देखिए टनल पासिस अक्रॉस द सेंटर ऑफ अर्थ। अब जरा समझने की कोशिश करें, पहले आप, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ की रेडियस आर ई है, अर्थ का मास एम है, और हमने क्या किया, ड्रिल मशीन ली और टनल को इसके सेंटर से ऐसे कर दिया, ये टनल बन गई। ये टनल थोड़ा सा चौड़ी बनाइएगा, जरा आवाज को ध्यान बंद रखिए भाई, ये टनल पास हो गई, ये सेंटर ऑफ द टनल है, जरा समझिएगा। जब आप थोड़ा अंदर आएंगे, मतलब यहाँ पर आप आ गए और आप टनल से थोड़ा चौड़ी बना दें, क्योंकि टनल में जो है हमारी कार नहीं जा पाएगी, तो ये टनल थोड़ी सी चौड़ी बना देते हैं, अब यहाँ ट्रक चला जाएगा, ये टनल है, देखो ध्यान से, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। जब थोड़ा अंदर आएंगे तो आप मान लेते हैं कि आप इससे स्मॉल आर दूरी पर हैं और स्मॉल आर रेडियस का जो मास है वही आप पर फोर्स लगा रहा है, ये एम डैश मास है और ये बॉडी है और इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है जो सेंटर की तरफ लेके आ रहा है। तो जो सेंटर तरफ लेके आएगा वो क्या है, वही आपका एम जी नहीं, एम जी डैश, वही आपका रीस्टोरिंग फोर्स है। तो क्या हम रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी डैश लिख सकते हैं, माइनस, समझ में आया लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यहां से जब दूर हम ले जाएंगे तो ये फोर्स उल्टा लगेगा, हमको पुनः ओ की तरफ लाने का कोशिश करेगा ये, इसलिए ये माइनस में लिया गया है। अच्छा, अब जी डैश की वैल्यू निकालते हैं, एज जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एम डैश मतलब ये जो स्मॉल आर रेडियस का स्फेयर है, जो पार्ट है ऑफ द स्फेयर, जो इसका अर्थ का उसका मास है, तो जी अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि यहां कॉस थीटा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट आप सेंटर तरफ आ रहे हैं ना, एम डैश क्या होगा, फोर अपॉन थ्री पाई, क्या होगा, पाई आर क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक आर से आर कट गया, जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, फोर पाई जी आर रो अपॉन थ्री रख दो। सो एफ इज इक्वल टू माइनस एम, और जी डैश क्या हो जाएगा, फोर पाई जी आर रो अपॉन थ्री।
अगर बिल्कुल पीछे वाला प्रूफ है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, अगर अल्फ़ा एक्सलेशन मान लेते हैं तो ये एम अल्फ़ा हो जाएगा माइनस एम इंटू फोर पाई जी आर रो बाई थ्री, एम से एम कट गया तो अल्फा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर है, तो अल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस आर, तो ये एसएचएम प्रूफ हो गया। अब अगर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, जब आर अपॉन अल्फा निकालोगे, आर अपॉन अल्फा, तो ये क्या आएगा टू पाई अंडर रूट, तो आएगा थ्री अपान फोर पाई जी रो, और ये अभी आप निकाल चुके हैं आर ई अपान जी, तो ये आपका ये निकल आया। समझ में आई बात? अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले जब अर्थ के अंदर जा रहे थे, मतलब इमेजिनरी तरीके से, तो हमने कहा था ना कि अर्थ का नीचे का पार्ट फोर्स नहीं लगाएगा आपके ऊपर, ऐसा कहा था ना, तो बड़ा इलॉजिकल लग रहा था, नहीं लग रहा था, जरा ध्यान से समझिएगा, यह आपने पढ़ा भी होगा, अर्थ के ऊपर आप हैं, ये अर्थ के ऊपर आप हैं, तो जब ऊपर आप अर्थ जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो पीछे वाला फॉर्मूला वही लिख दिया लिए, जो पिछला वाला बिल्कुल सेम एज इट इज उतार दीजिए, टाइम पीरियड सेम आएगा ना। देखो ध्यान से, जब मैं अर्थ के ऊपर हूं तो ये पूरी की पूरी अर्थ का मास एम ही है, और ये अर्थ हमारे पर जी एक्ट करा रही फोर्स, यानी हमारे पर जो फोर्स लगेगा वो जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब देखो जरा, अर्थ के जब अंदर हम टनल में आते हैं, सॉरी उसमें एक अर्थ के अंदर जाते हैं आप, हैं जैसे कहीं पर माइंस वगैरह में, तो आप यहां अंदर पहुंच गए, यहां पर आपने ये अनंत अंदर यहां पहुंच गया, आपको याद होगा अर्थ के अंदर जाने पर जी की वैल्यू घटती है, आपने पढ़ा होगा। तो जब यहां पहुंच जाते हैं तो आपको हम लोग पढ़ाते हैं कि ये वाला स्फेयर जो अंदर वाला है जिसका कि मास एम डैश है, ये आप पर फोर्स लगाएगा, और ये वाला पार्ट आप पर फोर्स नहीं लगाएगा, यही बताया गया ना। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि भाई ये तो हमारे नीचे है, ये तो फोर्स लगाएगा, नहीं लग रहा है, अरे भाई आप अगर इसके ऊपर है तो ये आपके नीचे ही तो है पूरा पार्ट, चलिए ये वाला पार्ट तो आपसे दूर हो गया मैं मान लेता हूं, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है ये तो आपके नीचे ही है, ये तो आपको आपको अट्रैक्ट कर रहा नहीं कर रहा है। अब आपने देखिए वो ठीक है नहीं लगाएगा, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है नहीं लगाएगा, इसलिए नहीं लगाएगा। लेकिन जरा समझिएगा, सावधान, हम यहां पर है ना, यहां पर है, एक मिनट, इस पोजीशन पे है ना, यहां पर है ना, तो ये वाला मास हमारे ऊपर है जो मुझे ऊपर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे नीचे है जो हमको नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल करके नेट फोर्स जीरो कर देंगे, इसलिए इस वाले पार्ट के अट्रैक्शन फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा 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 अच्छा, बहुत जल्दी समझ में आ रही है, जरा समझिएगा। फिर क्वेश्चन आता है, अब आप कहेंगे भाई ये बताओ ये तो छोटा सा पार्ट है ये बड़ा सा पार्ट है, और आप बता रहे हो बैलेंस कर दे, कहां से बैलेंस कर देगा, आप झूठ बोलते हो। काहे को हर पॉइंट पे होगा, हम यहां बैठे हुए हैं, यही तो अर्थ हमारे ऊपर केवल है, ये तो पूरी हमारे नीचे है। देखो जबरदस्ती का जीरो करने के लिए लॉजिक ना लगाइए, प्रैक्टिकली यहां पर सोचिए, हम अर्थ के ऊपर हैं, हम यहां पर हैं तो इतनी ही अर्थ तो हमारे ऊपर है, ये मेरे नीचे है भाई, तो नीचे वाला पार्ट ज्यादा है, ऊपर का बैलेंस कहां से कर देगा। हाँ हमें फोर्स जीरो करना है तो मैं तो बता रहा हूं जीरो कर देगा, लेकिन लॉजिकल लग रहा नहीं लग रहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ यस यू हैव गॉट इट, जरा समझिए, एक्चुअली में ये मास तो कम है लेकिन ये भाई साहब मेरे नजदीक है, तो चूंकि हम जानते हैं फोर्स प्रोपोर्शनेट मास होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो ये नजदीक होने की वजह से ये ज्यादा फोर्स क्रिएट करेंगे, और ये दूर होने की वजह से ये कम फोर्स करेंगे, लेकिन ये भाई साहब का मास ज्यादा है
इसलिए ये बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रही बात? अब लॉजिक समझ में आया, ठीक है। ये मास तो कम है हमारे ऊपर, लेकिन ये नज़दीक है, इसलिए ये जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा और ये कम लगाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल दूर है हमसे, लेकिन चूंकि बहुत सारा मास यहाँ पर है तो दूर होने की वजह से, मास ज़्यादा होने की वजह से वो फोर्स बैलेंस हो जाता है। समझ में आ रही बात? लॉजिक ये है। देखिए, हमने क्या कहा था, फिजिक्स को फील करना होता है, हमें एक्चुअली फील करना होगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका, लिखिए ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड, अब पहले तो प्रैक्टिकली समझिएगा, आप जो है घर में उसमें बकेट में पानी भर दीजिएगा और उसमें कोई एक सिलेंड्रिकल, एक कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए, अब लोहे का डालोगे डूब जाएगा, लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिएगा तो थोड़ा डूब जाएगा, वो थोड़ा तैरता रहेगा, और थोड़ा उसको अंदर प्रेस करके छोड़ दीजिए तो उस पानी के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं करेगा? तो अब ये तो प्रैक्टिकल हो गया, हमने देखा ऐसा होता है, लेकिन मैथमेटिकली हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिखिए ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड की बात हम करने जा रहे हैं। इन ए लिक्विड, देखो ध्यान से, पहले समझिएगा, ये एक लिक्विड का टब भरा हुआ है पानी से, लिक्विड की बात करो, मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, टब थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, गिर जाएगा ऐसे रखोगे तो। ये एक टब भरा हुआ है, देखो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और हमने यहां पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ऐसी, और इसको इसके ऊपर हमने रखा ये, और हम मान लेते हैं कि ये इतना डूब गई, थोड़ा और डुबा दो नहीं कम लगेगा, इतनी डूब गई, और इसका जो मास है वो m है, और टोटल हाइट इसकी h है, और ये इसके अंदर l लेंथ डूबी हुई है, और इस लिक्विड का डेंसिटी हमने रो मान ली है। डायग्राम समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो डूबा है इस पर आप जानते हैं अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि जितना पार्ट डूब जाता है वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, नहीं करता है? तो थोड़ी सी कहानी आप लिख लीजिएगा, लेट m बी द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉर्क लिख दो या पीस लिख दो, लेट m बी द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क इस लेते हैं थोड़ा सा वो हल्का होता है, सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क एंड a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, L be the length of the cork, L be the length of the cork immersed in the liquid. Immersed in the liquid. देखो, by law of flotation, law of flotation क्या कहता है? जरा बताए, किसी को मालूम है law of flotation क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि मैं अगर 60 किलो का हूं और मैं पानी में बैठ जाऊं तो भले ही मैं थोड़ा सा पार्ट मेरा बॉडी डूबे, लेकिन हम अपने वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर देंगे। सही मैंने कहा? अब जरा समझिएगा, इस सिलेंड्रिकल ड्राड जो है, यह सिलेंडर जो है, इसका मास कितना है? एम। तो यानी कि आप कहेंगे कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द कॉर्क, इस कॉर्क का जो वेट होगा, इस कॉर्क का वेट कितना है? mg।
अब बताओ कितना लिक्विड स्पेस हुआ है। अच्छा नहीं मालूम, नहीं मालूम तो हो गई। अब बताइए कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम सिलेंडर डूबा है, ए इंटू एल, यानी ए इंटू एल तो वॉल्यूम डूबा हुआ है और जितना डूबा हुआ है उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं जी से, तो दिस विल बिकम वेट। तो ए एल इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। हम जी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसको ही क्वेश्चन वन डाल दीजिएगा और सुन लीजिएगा, इसका कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज केवल फार्मूला जानने से न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते आप, इसलिए कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। अब जरा देखिएगा, अगर मैं सिलेंडर को हल्का सा ऊपर से पुश कर दूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, ये यहां पर ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, ऊपर आएगा लेकिन एकदम से ऊपर आएगा वेट की वजह से फिर नीचे जाएगा। तो हमने कहा सपोज हमने इसको y अंदर और पुश कर दिया, ये अब थोड़ा सा अंदर चला गया, ये सिलेंडर y हमने पुश करके छोड़ दिया। तो थोड़ी सी कहानी लिखिएगा, सपोज एट एनी इंस्टेंट। अच्छा ये बताइए पहले केस में क्या ऑसिलेशन होगा, नहीं होगा, वहीं पे आकर रुक जाएगा। एट एनी इंस्टेंट वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, वाई इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर, वाई इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क, लिख दीजिएगा सिलेंडर लिखिए कॉर्क। तो अब बताओ इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा भाई, कौन लगाएगा, कौन सा वाटर लगाएगा, ये जो इधर भरा हुआ है कौन सा डिस्प्लेस हुआ, जो अब इसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स यहां लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये इसको तो हमने F मान लिया है, अब बताओ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, कितना वॉल्यूम डूब गया अंदर और A इंटू वाई, तो इतना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ। हमने वॉल्यूम ऑफ द वाटर को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ द वाटर हो गया, इंटू जी किया तो ये निकल आया ए वाई रो जी। अगर मैं मान लू कि इफ एल्फा इज द एक्सेलरेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपान एम, एफ की वैल्यू हमको मालूम है, अच्छा ये माइनस होगा क्योंकि अपोजिट काम कर रहा है, तो माइनस ए वाई रो जी अपान एम। कौन सी चीज है जो इसमें चेंज हो रही है, वाई, और सब चीज कांस्टेंट है, सही कह रहा हूं मैं, यानी कि वाई अल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस वाई। तो स्टेटमेंट आपको याद है क्या लिखना है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज directly proportional to the displacement and opposite to its direction, so its motion is simple harmonic motion, ठीक है। ज़रा logical समझिएगा, बहुत tough नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे नहीं, numerical नहीं लगा सकते अगर technical question आ गया, इसलिए ध्यान समझिएगा, note करिए, इसको ऊपर वाला रब कर सकते हैं ना। अब अगर इसका टाइम पीरियड निकालें, इट्स टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट, क्या है यहां पर, वाई अपान अल्फा, यहां से वाई अपान अल्फा क्या निकलेगा, वाई अपान अल्फा, तो एम एरोजी इधर आ जाएगा, एम अपान एरोजी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एम अपान ए रो जी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है जी, अब देखिए, अब यहां पर एक चीज फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब एक चीज और आप चेंज कर सकते हैं, ये जो सिलेंडर है ना, मैंने कॉर्क का लिया है, लकड़ी का लिया है, कोई चीज का लिया है, ऐसा मटेरियल लिया है जो फ्लोटिंग हो, थोड़ा सा तैर रहा हो,
अगर मैं मान लूं कि इफ रोवन इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर की डेंसिटी रोवन है तो बताइए सिलेंडर का मास कितना होगा। एच हाइट का सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा, इसका मास कितना होगा? ए एच रो या रोवन। तो यहां पर ये क्वेश्चन वन जो है ना हमारा, वन या टू है, जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टू में एम की वैल्यू रख दे। सो बाय क्वेश्चन टू टाइम पीरियड का एक नया फार्मूला हमको मिलेगा। सो बाय क्वेश्चन टू टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट, एम की वैल्यू आएगी ए एच रो वन अपान ए रो जी। तो ए कट गया, टू पाई अंडर रूट एच रो वन अपान एच रो जी। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। देखिए ध्यान से, पहली बात समझ लीजिए आप, यहाँ पर न्यूमेरिकल फंसता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वो एम दे देते हैं, कभी कभी एल दे देते हैं, कभी कभी, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टर्म पे अगला कंसेप्ट बताया जाएगा।